नाज़रीन, इस वक्त मुल्क में पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो तकरीबन 45% तक कम हो चुकी है, और इंटरनेशनल मार्केट में भी पेट्रोल इस वक्त पेप्सी की किसी बोतल से या पानी की किसी बोतल से पर लीटर के हिसाब से जो है वो सस्ता है। लेकिन पाकिस्तान में जो पेट्रोल है वो अब मिल नहीं रहा, ना पैद हो गया है, पेट्रोल पंपों में पेट्रोल है ही नहीं, और जो हाई ऑक्टेन है वो अभी भी 157 रुपये का बिक रहा है, जो कि इंटरनेशनल मार्केट में जिसकी प्राइस नॉर्मल पेट्रोल से सिर्फ $3 ज़्यादा है। तो मुल्क में ज़खीरा अंदोजी, करप्शन अपने इंतहाई अपने अरूज पे है, तो ऐसी कौन सी वजूहत हैं कि पेट्रोल जो है वो इतना महंगा बिकता है इस वक्त? जो पेट्रोल की कीमत 74 रुपीज़ पर लीटर है, जबकि जो PSO है जिस प्राइस पे वो पेट्रोल बेचता है उसकी प्राइस सिर्फ 23 रुपये 99 पैसे है। तो ऐसी क्या वजूहत हैं, क्या ऐसे अवामिल हैं, बीच में इतने कितने लोग हैं, कितना टैक्सेशन इन्वॉल्व है, ये बात करने के लिए आज हमने हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे साबिक सेक्रेटरी ओगरा कर्नल रिटायर्ड फरूख नदीम सर टेलीफोन लाइन पे हैं, जो हमें एग्जैक्टली बताएंगे कि ये क्या वजूहत हैं और कौन सा ऐसा माफिया है जो इस पेट्रोलियम प्राइसेस को कंट्रोल करता है, और ऐसी कौन सी वजूहत हैं जिसकी वजह से ये हाई ऑक्टेन जो है वो डीरेगुलेट हुआ था। जी अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब। वालेकुम सलाम जी। नहीं भाई, खैरियत से आप? जी अल्लाह का शुक्र सर। आज पेट्रोल के मामले पे काफी बात हो रही है, कल भी काफी प्रोग्राम हुए, तो मैंने सोचा कि चूंकि आप डायरेक्टली ओगरा के साथ इन्वॉल्व हैं, कल नदीम बाबर साहब एक टीवी चैनल में बैठे कह रहे थे कि ये डीरेगुलेट हो गया था तो कुछ सियासी बात हो गई थी, तो अब हमने ओगरा को लेटर लिखा है कि इसको देखे, हमने PSO को भी जो कि सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है उनसे भी हमने कहा है, तो ये क्या वजह है आप हमें बताएंगे कि पेट्रोल की तो जो जिसमें PSO बेचता है कॉस्ट ऑफ सप्लाई तो 23 रुपये 99 पैसे है, वो तो उसके इतने टैक्सेस जो हैं वो बीच में ऐड हो गए हैं और पेट्रोल जो है वो 74 रुपीज पे चला गया, तो ये ओगरा की क्या पॉलिसी होती है पहले तो आप मुझे बताइएगा। एक फॉर्मूला होता है जिसके तहत वो प्राइस डिनेशन करता है जी, इसमें कुछ IFCM है, इंटरलेट फ्रीट इक्वलाइजेशन मार्जिन है जी, कुछ टैक्सेस हैं, कुछ लेवीज हैं जी, और ये जो बेस प्राइस होती है रिफाइनरी की उसमें ये सारा कुछ ऐड अप हो के जी यहाँ तक प्राइस पहुँचती है जी। होता नहीं भाई ये है कि बेसिकली जो पेट्रोल पंप्स वाले हैं ये डायरेक्टली अंडर ओगरा नहीं आते, ओगरा जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है वो ओगरा के लाइसेंसी हैं जी। अच्छा, OMC जो है तो, हाँ OMC ऑयल मार्केटिंग कंपनी, PSO, शेल, कैलटेक्स, एस्कोल वगैरह ये लाइसेंसी हैं, जबकि पेट्रोल पंप जो है वो लाइसेंसी नहीं है ओगरा के जी। तो ओगरा जो है वो इन कंपनी से पूछता है कि जी आपकी ये रिटेल आउटलेट्स पे क्यों महंगी चीज बिक रही है जी। अब होता ये आपने देखा होगा कि जब पेट्रोल महंगा होना होता है तो शॉर्टेज हो जाती है, और जब सस्ता होना शुरू होता है तो फिर वो और कोई काम होता है, लेकिन इस दफा ये एक चीज हुई है कि सस्ता होने के साथ पेट्रोल गायब भी हो गया है, गायब हो गया, और हाई ऑक्टेन उसकी जगह उन्होंने बेचना शुरू कर दी है जी। हाई ऑक्टेन तो इसलिए कि उसकी प्राइस इन्होंने किसी ने भी कंपनी ने कम नहीं की, हालांकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जितनी प्राइस रूटीन के पेट्रोल की कम हुई है उसी हिसाब से, बेशक ये डीरेगुलेटेड है, ये RON 95 और RON 97 है जिसको डीरेगुलेट किया गया था ताकि कोई अपना वो आपका एक मार्जिन रिफाइनरी ले सके, लेकिन उसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि बाकी सारी प्राइसेस डाउन होंगी और ये अपनी इस प्राइस पे स्टैटिक रहेगा। $3 का फर्क है इंटरनेशनल मार्केट में पर बैरल नॉर्मल का और हाई ऑक्टेन का, तो वो तो स्टेट में आज मैंने किसी न्यूज पे देखा है कि PSO ने तो काम कर दिया है हाई ऑक्टेन काम किया ये, लेकिन ये तो ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है ना सर, वो तो कहते थे हाँ। तो जो मशीन पेट्रोलियम है वो तो कह रहे थे कि ये 100 रुपए या 110 रुपए होनी चाहिए इसकी प्राइस। जी जी बिल्कुल इसी तरह ही है, अभी मेरे ख्याल ओगरा ने नोटिस इस चीज का ले लिया है जी, और इसको भी जो डीरेगुलेट किया गया है इसको वो देखेंगे कि जी इसका क्या आइंदा के लिए हिसाब का किया जाए, ताकि इस तरह ये बाकी सारा पेट्रोल आप साइडलाइन करके गायब करके तो इससे अपना मार्जिन ना कमा साहब। ये तो देखे ना जुल्म के इंतहा है ना, ये कहते हैं कि 2016 में हमने इसको डीरेगुलेट कर दिया, भाई ये है तो पेट्रोल ही ना, है तो ये ऑयल ही, इसमें ऐसी कौन सी नई चीज थी कि आपने एक रास्ता दिया करप्शन का इन कंपनीज को कि वो अपनी मनमानी की कीमत पे जो है वो हाई ऑक्टेन बेचें।
ये डीरेगुलेशन के बावजूद भी ओगरा के पास एक इख्तियार होता है कि अगर एक प्राइस अपने जो एक इख्तियार है उससे बाहर बिक रही हो तो ओगरा कैन ऑलवेज इंटरफेयर एंड चेक द प्राइसेस। तो मेरे ख्याल आप वो मौका ओगरा के लिए आ गया है कि वो इसको आके देखे कि जी इन्होंने मुख्तलिफ कंपनीज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने जो हाई ऑक्टेन की प्राइस कम क्यों नहीं की, तो वो मेरा ख्याल इंशाल्लाह होगा। और दूसरा आपको मैं नईम साहब ये बताऊं कि हर रिफाइनरी को एक नोटिफाइड चीज है कि 20 दिन का उन्होंने अपने हर जगह पे रिजर्व रखना है। अगर ये रिजर्व कहीं गायब हो गया है तो उस पर अच्छे खासे तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को फाइन होना चाहिए कि उन्होंने ओगरा की शर्त को क्यों पूरा नहीं किया। अभी कह रहे हैं कि 3 दिन का पेट्रोल रह गया हमारे पास, किसी के पास जखीरे ही नहीं है और कहा जा रहा है कि प्राइस कम हो रही थी तो इन्होंने नया पेट्रोल खरीदा ही नहीं है। वो तो फिर देखे ना, इनके अपनी वर्किंग है और एक मैलाफाइड इंटेंशन है कि जी इनको ना करना पड़े। जब प्राइस बढ़ती है उस वक्त भी तो ये स्टॉक अपना बहुत ज्यादा कर लेते हैं लो प्राइस पे इन्वाइसिस में वो डाल के और अपने सारे डेपो टॉप अप कर लेते हैं ताकि महंगा बेचा जा सके। तो ये मेरा ख्याल रेगुलेटर को और कंपटीशन के सीसीपी को इस वक्त अपना रोल अदा करना चाहिए। ये जो सारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी है इनका तो करना था मार्जिन जो है 2-3 रुपए पर लीटर है, जबकि जो पेट्रोल पंप वाले हैं या जो डीलर जिनको आप कहते हैं डीलर कमीशन जो है वो 1 लीटर के ऊपर तकरीबन 3.70 रुपए है। तो ऑयल मार्केटिंग जी अभी अभी किया है, असल में एक राय ये भी थी कि जी जितनी पेट्रोल पंप आउटलेट्स हैं ये भी ओगरा के लाइसेंसी होना चाहिए, लेकिन फिर वो आपको पता है कि मुल्क के तूल अर्ज में ये इतनी आउटलेट है कि आपको हजारों की तादाद में लाखों की तादाद में तो वो पॉसिबल नहीं रहेगा। तो अभी भी बेहतर है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के ये जिम्मेदारी है कि जिसको वो बल्कि उनका जो एग्रीमेंट साइन होता है उसमें अंडरटेकिंग लेते हैं वो अपनी। जी जी तो सर आप ये बताइएगा कि ये जो ऑयल पाकिस्तान में तकरीबन कितनी कंजम्पशन है ऑयल की और हमारी रिफाइनरी जो है उनकी क्या कैपेसिटी है और हम इंपोर्ट कितना करते हैं, क्योंकि हमें तकरीबन $14 बिलियन के करीब शायद हमारा ऑयल के ऊपर खर्च होता है। जो आप ऑयल की कीमत जो कम हुई है दुनिया में उससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हो सकता है, और जब ऑयल सस्ता होता है तो क्या डीलर के मार्जिन भी कम हो जाते हैं? नहीं जी, ये तो एक स्टैंडर्ड है, तो उसके मार्जिन फिक्स हुए हुए हैं वो कम नहीं होते, प्राइसेस जरूर उसके लीटर के हिसाब से कम हो जाती है। अभी जिस तरह के पाकिस्तान में आप बल्कि पूरी दुनिया में ही आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद हैं और ट्रेन रुकी हुई है, तो उस वजह से ये कंजम्पशन बहुत कम हुई है। बिल्कुल, तो एक ये भी फैक्टर है कि प्राइसेस नीचे आ गई हैं और रिफाइनरीज को शायद लॉस पे बेचना पड़ रहा है, जो उनकी कास्ट फैक्ट आ रहा है उनको वो उसमें नहीं है, लेकिन पब्लिक के लिए तो ये चीज ओपन होनी चाहिए कि इतनी गाड़ियां रोड पे नहीं है उसके बावजूद पेट्रोल पंप गायब हो जाना दिस इज अलार्मिंग स्टेट। और मेरा ख्याल है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को बड़ा स्ट्रिक्टली ओगरा को डील करना चाहिए एंड दे शुड बी टेकन टू द टास्क। 20 दिन का रिजर्व आपका कहां गया? बेसिक क्वेश्चन है। अच्छा सर ये बताइएगा कि ये जो ऑयल के साथ साथ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो हमारी है गैस। अब चूंकि ओगरा दोनों चीजों को रेगुलेट करता है तो हमारे मुल्क में गैस का भी इस वक्त बड़ा बोरान है और हमें कहा जा रहा है कि शायद कुछ अरसे के बाद हमारी गैस जो है वो खत्म हो जाएगी और गैस की प्राइसेस भी इस वक्त बहुत ज्यादा है। आम घरों के बिल जो है वो 60-70 हजार रुपए सर्दियों में आते हैं। तो आप बताइएगा कि गैस को किस तरह रेगुलेट किया जाता है और इसकी जो जितनी हमारी गैस निकलती है जिसकी जितनी उसकी क्वांटिटी है क्या उसको ओगरा मॉनिटर करते हैं और अगले सालों के लिए क्या उसकी प्लानिंग नहीं करता? जी बिल्कुल, गैस के जखायर तो आपको पता है कि नई डिस्कवरीज पाकिस्तान में इतनी नहीं हुई जी, लेकिन RLNG इसका अल्टरनेट है और एक दूसरा है जिसको शेल गैस कहते हैं या फ्लेयर गैस कहते हैं। पहले आपने देखा होगा कि रिफाइनरी से एक फ्लेयर निकलता था जिसको जो LNG थी उसको फ्लेयर कर देती रिफाइनरी। जी जी, अब उस गैस को भी यूज करके बकायदा दिया जाता है, उसके बकायदा बिडिंग होती है और उसको होती, लेकिन उसके लिए अभी तक कोई ओगरा ने या मिनिस्ट्री ने
ऐसा अपना वो उसके लिए कोई स्पेशल रूल रेगुलेशन नहीं बनाए हैं कि जी उसको कैसे यूज करना है। अगर उसको भी ये अपने उसमें एम्बेट में ले आए रूल्स रेगुलेशन बना के, और लोग बहुत हैं उसको लाइसेंस लेने के लिए कि जी हमें ये स्किल टेस्ट का लाइसेंस दिया जाए, तो इस तरह अभी जिस तरह आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया कि नेचुरल गैस के रिजर्व्स हमारे डिप्लीट हैं वो इतने नहीं हैं, तो हमें बेसिकली RLNG और ये शेल गैस और इस तरह के जो दूसरे सोर्सेज हैं उनको टैप अप करना होगा। तो आप क्या समझ रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर को भी इनकरेज करना चाहिए कि वो इस बिजनेस में आए, और दूसरा आप ये भी बताएं कि आप चूंकि बहुत अरसा आपने सर्व किया ओग्रा में, तो ये जो टपी प्रोजेक्ट था और फिर ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस लाइन पाइप का जो प्रोजेक्ट था जिसमें पाकिस्तान को बहुत फायदा होना था, उसके ऊपर काम क्यों नहीं हुआ? उस पे पास इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को प्ले करती है, जिस तरह अभी ईरान पे सैंक्शंस लगी हुई हैं अमेरिका की साइड से, तो उन्होंने ईरान ने तो अपने तौर पे हमारे बॉर्डर तक गैस पहुंचाई हुई है, अब वो सैंक्शन की वजह से उसको पाकिस्तान फर्दर नहीं जा सकता, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, जब वो सैंक्शन उठेंगी तो उस वक्त होगा। इसी तरह टैपी वाला है अफगानिस्तान का, बीच में वो डिस्टर्ब एरिया आता है जिसकी वजह से अभी तक वो कोई ऐसा नहीं हो सका, हाँ फैसला नहीं हो। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल फरुख नदीम साहब हमसे बात करने का। नदीम, आपने गुफ्तगू सुनी कि ऑयल कंपनीज जो होती हैं उनको ये PSO वगैरह या जो 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 कंपनी जो आगे बेचती हैं उसका रेट और उसके बाद जो एंड यूज़र के पास पहुंचता है उसके रेट में कितना फ़र्क है, और इसमें एक ख़ास माफिया जो है वो इन्वॉल्व है, और पाकिस्तान का एक बदकिस्मती से एक कल्चर चलता आ रहा है कि जब भी किसी चीज़ की शॉर्टेज होती है तो सिर्फ इसलिए होती है कि उससे हम फर्दर पैसा कैसे कमा सकते हैं। जी नाज़रीन, इस कोरोना वायरस की वजह से मईशत जो है दिन ब दिन तनाज़ुरी का शिकार है, और कोरोना वायरस के पेशेंट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आज के दिन में ही 4,931 पेशेंट जो है वो नए आए हैं, और हमारी अमवात भी तकरीबन 1900 के करीब पहुंच गई हैं। पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड इस वक्त कोरोना वायरस का चर्चा है, और अमेरिका में आप देखें कितनी वहाँ तबाही हुई है कि एक $20 के नोट ने कितने बिलियन डॉलर का नुकसान कर दिया है। तो ये उस कोरोना वायरस की फ्रस्ट्रेशन भी हो सकती है, साइकोलॉजिकल इम्पेक्ट भी हो सकता है, मुआशी तनदली की सोच भी हो सकती है, और इसी तरह पाकिस्तान में भी ये इम्पेक्ट आ रहा है। यहाँ भी लोगों के सब्र का दामन हाथ से छूटे जा रहा है, और जो हमारे कारोबारी तबके हैं वो परेशानी की तरफ रवा दवा हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रही कि हम इससे कैसे निपटें, इसका कैसे हल निकालें, घर चलाएँ, दुकान चलाएँ, कारोबार चलाएं, कि कोरोना को निपटें। इस सिलसिले में हाल ही में अमेरिका से वापस आए हैं हमारे पाकिस्तान के नामवर बिजनेसमैन और शेखुपुरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साबिक सदर, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के साबिक सदर जनाब मलिक मंजूर साहब हमारे टेलीफोन लाइन पे है, उनसे बात कर रहे हैं। जी मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, आपको भी अल्लाह ताला जिंदगी सेहत दे, और तमाम दोस्तों सुनने वालों को भी आमीन वबा से बचा कर रखे। आमीन सर, आप बताइएगा कि आप तो अमेरिका से काफी लंबा इंतजार किया आपने, फिर आपको PAE की फ्लाइट मिली, आप आए, क्या हालात थे वहाँ पे इस कोरोना वायरस की वजह से, और क्या हालात आके अब अपने मुल्क में आप देख रहे हैं? सर मैं गया था वहाँ 15 दिन के लिए, लेकिन स्टकअप हो गया, उसकी वजह से फ्लाइटें आपने ब्लॉक कर दी, अमेरिका ने ब्लॉक कर दी जी। लेकिन मैं आपके प्रोग्राम में बात करने से साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारा जो असल इशू है ना सर, वो है एडमिनिस्ट्रेटिव जी। हमने कभी नहीं सोचा कि हम एडमिनिस्ट्रेटिवली लोगों को फैसिलिटेट करना है या उसको देख के तो फिर उसमें एक नई राह निकालनी है जी। फकीर के फकीरों वाला काम था वहाँ पे, अगर हम चाहते तो हमारे पैसे भी बचते जी। हम 4 गुना ज्यादा महंगी टिकट लेके PIA के ऊपर आए हैं और एक SOP फॉलो नहीं हुआ फ्लाइट में, आप उसका रिकॉर्ड नहीं हुआ। इसके साथ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर देखिए, ये जो आपने $20 वाली बात की ये बिल्कुल सही है कि जब गवर्नमेंटें इश्यूज को टाइमली डील नहीं करती तो वो कहीं ना कहीं जाके लावा बन जाता है जी, बिल्कुल। और वो फिर लावा जब लोगों के हाथ में जाता है तो वो रियासत का भी नुकसान करता है, अवाम का भी नुकसान करता है जी। और सोसाइटी में भी अपनी बदनामी करता है, जो सालों में आपने क्रेडिबिलिटी गेन की होती है वो फारग हो जाती है जी। तो अमेरिका में इस वक्त सूरत हाल ये थी कि सर उनके न्यूयॉर्क में और सैन फ्रांसिस्को में, यानी कैलिफोर्निया में और एक ओहायो में, 3-4 स्टेट्स में बहुत प्रॉब्लम थी जी इसकी कोरोना की। अब वो एक तो आपने लॉकडाउन भी उन्होंने इस तरह का नहीं किया, लेकिन प्रिंसिपली स्मार्ट लॉकडाउन था, लोग डिसिप्लिन थे, वो कर रहे थे।
जी लेकिन उसके नतीजे में उनकी जो इम्पोर्ट थी, जो बिजनेस थे, जो कमाई थी, वो कम हो गई लोगों की। और आपको पता है कि अमरीकी के जेब में $10 नहीं होते, क्रेडिट कार्ड होते हैं, दूसरी चीज। तो फिर इन्होंने उसको रिलीफ दिया और कहा जी कि हम आपको इतने पैसे भी दे रहे हैं, $1200 फी कस जो है ना जी, वो घरों में भेजा जी। और उसके बाद उन्होंने उनको किया तकरीबन $7 ट्रिलियन की उन्होंने मुख्तलिफ मद में एड्स की लोगों को जी। लेकिन वो जो फ्रस्ट्रेशन है ना जी कि मैंने जाके कमाना है, मैंने अपने काम पे जाना है जी, वो लोगों के अंदर मौजूद रही जी। वो जो ही उसको हवा मिली और वो देखें क्या क्या क्या, क्या हो गया। अब हम पाकिस्तान में आए हैं सर, तो पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक तो हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी नहीं है जी। बिल्कुल देखिए ना, अमेरिका में वो 2 लाख बंदों को रोज टेस्ट कर सकते हैं, ये कर रहे हैं इस वक्त जी। बिल्कुल ठीक है जी। चाइना ने आपके सामने मिलियंस को टेस्ट कर लिया जी। अब मसला ये है कि जब एक भी पोटेंशियल आदमी मौजूद है आपके मुल्क में तो वो बाकी लोगों के लिए तो खतरा है ना। बिल्कुल सही बात है। भी बेचारे को नहीं पता, उसका कसूर भी नहीं है शायद जी, उसको हल्का सा बुखार रूटीन में होता रहता है जी, या खांसी आती रहती है, तो वो कहता है यार शायद पोल्यूशन की वजह से आ गई, शायद इस वजह से आ गई। तो हमें चाहिए था कि हम एक तो टेस्ट की किट को प्राइस वाइज सस्ता कर दें जी, ताकि और फिर ज्यादा से ज्यादा। सर इस वक्त 7-7 हजार, 8-8 हजार रुपए का टेस्ट हो रहा है, गरीब आदमी तो टेस्ट करा ही नहीं सकता, और अमीर आदमी भी जाहिर है अगर जो दरमियाने तबके का आदमी है वो भी टेस्ट है, बहुत अमीर आदमी जाके सारे घर वालों के टेस्ट करा सकता है। सर नहीं करा सकता, आपने सही कहा ना सर। आप देखें ना, एक घर में अगर 6-7 लोग हैं जी, तो मतलब वो लाख रुपए किधर से लेके आएगा, और अगर फिर एक टेस्ट भी पॉजिटिव निकल आया जी, तो उसने डील कैसे करना है? कोई आपका मीडिया एजुकेट कर रहा है, कोई आपकी गवर्नमेंट उसको SOP दे रही है, कोई लोगों को तसल्ली है कि सर हॉस्पिटलों में जगह ही नहीं है, हॉस्पिटल मरीज एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, एम्बुलेंसेज में लोग बाहर बैठे हुए हैं। सर मैं यही आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि जितनी मर्जी किसी स्टडी को देखें, आप देखें कि उन्होंने GM मोटर्स जो कारें बनाने की थी, उसको उन्होंने टास्क दिया कि तुमने गाड़ियां नहीं बनानी, कल से वेंटिलेटर बनाने ठीक है, और तकरीबन 1000 वेंटिलेटर जो है ना जी उन्होंने पर डे प्रोडक्शन जी। बिल्कुल, तो मतलब ये कि जो सोसाइटीज होती हैं, जो जो चैरिटी करने वाले लोग होते हैं, अच्छा इसी तरह बड़े बड़े लोगों ने मास्क जो है अच्छी क्वालिटी के मास्क खुद अपने स्टोरों पे बाहर रखे कि आप जितने चाहे उठा के ले जाए, उठा के ले जाए। बिल्कुल ये जेस्चर है, ये कल्चर है, ये ह्यूमैनिटी है। एग्जैक्टली और हमने क्या किया कि 10 रुपए वाला मास्क 100 रुपए का बेचा है और उसकी भी क्वालिटी को हमने गिरा दी। आपकी आबादी देखे ना सर जी, बिल्कुल 22 करोड़ 23 करोड़ की आबादी है, आबादी है, तो लोगों ने तो अपनी जरूरियात जिंदगी पूरी करनी है किसी तरह से। बिल्कुल, तो हमने अपनी पूरी कौम को स्टेक होल्डर बना दिया, हमने अपनी पूरी कौम को मिसमैनेज कर दिया। मुझे नहीं समझ आ रही कि एडवाइजर कौन है और वो कैसे काम करवाते हैं जी। सर मेरी सिर्फ सिंपल गुजारिश है आपके थ्रू कि आप लोगों को ईज करें जी, बिल्कुल डूइंग बिजनेस कर दें, आप अपना चेक एंड बैलेंस काम करें। डॉक्यूमेंटेशन की लेंथ इतनी बड़ी अफोर्डेबल ही नहीं जी, मैं FBR को सेटिस्फाई करता रहूं। बिल्कुल, आप दुनिया भर में, अमरीका में था सर, वहाँ उन्होंने एक जो है ना जी रेस्टोरेंट स्टोर बनाया हुआ। बिल्कुल, उसमें बल्क में चीजें मिलती हैं जी, आप जाएं विदाउट एनी सेल टैक्स, विदाउट एनी वो टैक्स, आप वो चीजें खरीदें जी। जब आप अपने रेस्टोरेंट पे बेचेंगे तो आपने टैक्स देना। ठीक, देखिए कितनी अच्छी अप्रोच है सर, ईज की है ना उन्होंने। देखिए लोगों को हमने माइंड मेंटली लगाना है कि आपने काम सोचना है, आपने एम्प्लॉयमेंट एंगेज करनी है, आपने बिजनेस करना है, आपने पैसा कमाना है, आपने री इन्वेस्ट करना है जी। बिल्कुल, अगर री इन्वेस्ट करेंगे तो टैक्स ही नहीं। बिल्कुल, तो मतलब ये है कि दुनिया में ये नहीं हुआ कि जी जो कुछ है वो गवर्नमेंट ले जाए और गवर्नमेंट बाद में आपको हर वक्त मॉनिटर करती रहे। पेट्रोल का देख लेना जी, आप देखिए अभी मैंने आपसे पहले मैं ओगरा के साबिक सेक्रेटरी ओगरा से बात कर रहा था, ये पेट्रोल की बात हुई थी कि जो 23 रुपए लीटर पेट्रोल जो जो बेचती है PSO वो 74 रुपए लीटर आपको मिलता है, उसमें कितने टैक्सेस हैं, उसमें 30 रुपए तो गुमक की लेवी है, 10 रुपए उसके ऊपर सेल टैक्स है। सर एक अजब किस्म का सिनेरियो, एक अजब किस्म का तमाशा है सर। यही तो बात है कि आप देखिए आपके सामने है कि पाकिस्तान एड लेता रहा, उसके बाद कर्जे लिए, हमने NDFCs बनाई, RDFCs बनाई, वो सारा पैसा किन रास्तों से चोरी हुआ? बिल्कुल, करप्शन जो है वो खत्म ही नहीं हो पाई, चाहे आटे का बरान हो चाहे चीनी का बरान हो सर। उसकी वजह कि हमने शॉर्ट टर्म में ऐसे बनाए SOPs
कि एक बंदे को फायदा देने के लिए कुछ दिनों के लिए उससे आंखें बंद करें और वो अरबपति हो जाएगा और बाद में वो खुद ही मीडिया को सारी चीजों को संभालता रहेगा, लोगों को संभालता रहेगा। जी बिल्कुल। मसला ये है कि हमें चाहिए कि हम लोगों से हाथ आसान करें, बिल्कुल, उनको कारोबार की तरफ जाने दें, किसी के पास। अच्छा मैं एक आपसे शेयर करता हूँ जी, मैंने वहाँ अमरीका में कुछ लोगों से मुलाकात की जो स्टोर चला रहे हैं, जो पेट्रोल पंप चला रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं। मैंने उन्हें पूछा कि आप इतना अच्छा बिजनेस करते हो, लर्न किया आपने, पाकिस्तान में कोई कंपनी बनाई है? जी। तो मोर देन 99 ने कहा नहीं सर। जी। मैंने कहा उसकी क्या वजह? कहते नहीं हमने प्लॉट ले लिया था फलां जगह। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो मैंने कहा यार प्लॉट क्यों लिया? कहता सर उसमें हमें डिपार्टमेंटों से डील तो नहीं करना पड़ता। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब, अच्छा फिर उसने कहा यार अगर हम पार्टनरशिप करें तो पता चले कि वो अपना FBR सारा पैसा लेगे। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। तो हम नहीं चाहते कि हमें वो, हम सेफ एंड सॉ। इसका मतलब है कि हमने, हमारे लोगों ने माजी में टेंशन ने लोगों को दूर रखा कारोबार से। बिल्कुल, जो कारोबार करें ना, बस प्रॉपर्टी में और इसमें पैसा लगाते। बहुत बहुत शुक्रिया मंजूर राज मलिक साहब हमसे बात करने का। नासिन, जो इधर रियलिटी ऑन ग्राउंड है वो बिल्कुल डिफरेंट है। हुकूमत जिस तरह सोचती है वो बिल्कुल अच्छा सोचती है, लेकिन वो जब तक इन बिजनेसमैनों से, छोटे तबकात से जो कि कुछ लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, उन लोगों को रोज़गार दे रहे हैं जो बेरोज़गार होंगे तो हुकूमत से जाके इनकम सपोर्ट में से पैसे लेंगे या किसी और टाइगर फोर्स के लिए पैसे लेंगे। तो ये वो जगह है मिडिल क्लास लोगों की जिनको आपने अटेंड करना है, जिनको आपने फैसिलिटेट करना है, जिनको स्टेट बैंक ने कर्जे देने आसान शराइत पर कर्जे देने। तो ये जब तक नहीं होगा उस वक्त तक इकॉनमी के पहिए को हम दोबारा मूव नहीं कर सकते। आज का प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने मेजबान नेम सीरीज को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।